बात करेंगे मुंबई के जुहू इलाके की, जहां पर साल 2019 में एक मासूम बच्ची के साथ पहले रेप और फिर उसकी बड़ी ही निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई थी। जहां एक तरफ साकिनाका में हुए रेप और हत्या के आरोपी को डिंडोसी सत्र न्यायालय ने फांसी की सजा सुनाई है, तो वहीं दूसरी तरफ भी डिंडोसी सत्र न्यायालय ने जुहू इलाके में 2019 में नाबालिग लड़की के साथ रेप और हत्या के आरोपी को भी फांसी की सजा सुनाई है। अदालत के इस फैसले को सुनकर न्याय की गुहार लगा रहे बच्ची के परिवार वाले काफी खुश हैं। आपको बता दें कि जुहू इलाके में रहने वाली एक 9 साल की नाबालिग बच्ची के साथ पास में ही रहने वाले वद्दी उर्फ गुंडप्पा देवेंद्र नाम के व्यक्ति ने उसका पहले अपहरण किया और उसके साथ रेप कर उसकी हत्या कर दी थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रेप की पुष्टि भी हुई थी। आरोपी ने बच्ची के साथ रेप कर उसकी हत्या करके शव को नाले में फेंक दिया था, जहां हत्या के 3 दिन बाद बच्ची का शव मिलने पर लोगों ने इस घटना के खिलाफ आंदोलन भी किया था। वहीं इस मामले में जुहू पुलिस ने आईपीसी की धारा 302, 376, 363, 201 पॉस्को की 4, 8, 12 सहित अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया था, जिसकी सुनवाई डिंडोसी सत्र न्यायालय में चल रही थी। वहीं इस मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद माननीय न्यायाधीश ने आरोपी को फांसी की सजा सुनाई है। मेरा 2019 में मेरे लड़की को रेप करके मार डाल दिया, आज उसको सजा मिला, फांसी मिला है। आज हम लोग बहुत खुश है, मेरा बच्चा को न्याय मिला। आज मेरा लड़की का हुआ था, हो गया, अब दूसरा बच्चा लोग का किसका साथ में होने का नहीं। ऐसा कोई ऐसा बल्ला बड़ा बच्चे लोग का ऊपर उंगली भी उठाने का नहीं, ऐसा लोग ऐसा सजा मिलना मांगते। आज जजमेंट अच्छा बोला, अच्छा उसको पुलिस वाला भी हम लोग को सहारा था, अच्छा हम लोग की हेल्प किया, आज अच्छा उसको मिला, सजा मिल दिया उसको, फांसी मिला। आज चाय लाने के लिए लड़की गई थी, मेरा तबीयत बराबर नहीं था, वो लड़की चाय लाने गया, उधर से लड़की को कितना भी करके लेके गया, लेके जाके 3 दिन उसको रेप करके ये करके उसको मार डाल दिया। 3 दिन का बाद लाश मिला हम लोग को, उसको अभी 4 साल का बाद आज उसको सजा मिला, फांसी मिला उसको।